हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे मुरुदेश्वर मंदिर के उस आध्यात्मिक और रोमांचक सफर पर, जहां हर लहर के साथ शिव के चरणों में आध्यात्मिकता और शांति का अनुभव होता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषताएँ हैं जो हर साल लाखों भक्तों और यात्रियों को अपनी ओर खींचती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम मुरुदेश्वर मंदिर के लिए निकल चुके हैं और बाकी भी लोग आपस में मस्ती भी कर रहे हैं। ये पागला के साथ हम लोग घूमने जा रहे हैं। ये संतोष पागल मिल गया हम लोगों को। ये सबसे पीछे वाला है संतोष पागल। पहली बार जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। और इसी तरह की मस्ती और मजाक करते हुए अभी हम आगे निकल चुके हैं और इस समय अभी हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और बाहर की नज़ारा का दृश्य का कुछ आनंद उठा रहे हैं। हम सभी के मन में भी एक अनोखा सा उत्साह है और हम सभी के मन में मंदिर और विशाल प्रतिमा की कल्पनाएं भी तैर रही हैं। हमारा यह सफ़र न केवल धार्मिक है बल्कि हमें प्रकृति के करीब भी लाने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सफ़र हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे ताड़ व नारियल के पेड़ों के बीच से गुजर रहा है। हरियाली से भरी पहाड़ियां हमारा स्वागत करती प्रतीत हो रही हैं। पटरियों के किनारे पर फैली हरियाली ऐसा अनुभव कराती है मानो हम किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब और नदियाँ हमारे सफ़र को और भी सुंदर बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे कच्चे मकान कितने मनमोहक प्रतीत हो रहे हैं और ये प्राकृतिक दृश्य हमें बहुत ही भव्य प्रतीत हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी अभी हमारी ट्रेन एक गुफा से होकर गुजर रही है। ट्रेन की खिड़की से झांकने पर हमें गुफाओं के अंदर घुमावदार पटरियां भी दिखाई दे रही हैं। इसमें कहीं कहीं अंधकार तो कहीं कहीं लाइटें भी दिख रही हैं। इस समय हमको ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम सब किसी रहस्यमय दुनिया में आ चुके हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ देर हमारी ट्रेन गुफा में चली, अभी उसके बाद अभी देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन फिर से हरे भरे घास के मैदानों में आ चुकी है और अभी थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है। तो गाइस देखिए कि हमारा एक स्टेशन आ चुका है। तो यहाँ पर रेलगाड़ियों के क्रॉसिंग होने के कारण कुछ मिनट तक हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है, तो हम थोड़ा सा टहल रहे हैं और इसका आनंद भी उठा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ समय तक रुकने के बाद हम लोग फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल चुके हैं और जल्द ही हम लोग मुरुदेश्वर पहुंचने वाले हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग मुरुदेश्वर स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारे दोस्तों का भी इसी तरह से भी मस्ती और मजाक अभी चालू है। आप लोग कैसे हो? आप लोग देख सकते हैं ये हम हैं, ये हमारे चेले लोग हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इस समय हम रुद्रेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं और सामने का यह नज़ारा देखकर हमारी सांसें थम सी गई हैं। सामने शिव जी की 123 फीट की ऊंची प्रतिमा है और समुद्र के किनारे स्थित यह प्रतिमा न केवल भव्यता का प्रतीक है बल्कि भक्ति और संगम का भी प्रतीक है। इस समय हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शिव जी की कृपा हम पर बरस रही हो। फिर हम मंदिर के अंदर प्रवेश करके हमने आत्मलिंग का दर्शन भी किया। भीड़ के अत्यधिक होने के कारण हम वहां का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा के नीचे गुफा की आकृति का एक भवन है जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। आ
तो यहाँ पर प्रतिमाओं का माध्यम से इस मंदिर के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसका संबंध रामायण काल से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार और धर्म ग्रंथों के अनुसार जब रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और अमर होने की इच्छा प्रकट की थी तो भगवान शिव ने उसे आत्मलिंग दिया था। लेकिन इससे देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि रावण अमर हो गया तो संपूर्ण संसार का विनाश कर देगा। तब नारद मुनि और भगवान गणेश ने योजना बनाई कि रावण इस आत्मलिंग को अपने गंतव्य तक न ले जा सके। योजना के अनुसार जब रावण शाम के समय स्नान करने के लिए किसी व्यक्ति को तलाश रहा था कहीं कुछ समय तक वह आत्मलिंग को संभाल सके, तभी भगवान गणेश एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। रावण ने बालक को आत्मलिंग कुछ समय तक संभालने के लिए दे दिया और स्नान करने चला गया। फिर भगवान गणेश ने धोखे से उस आत्मलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। इस समय उस स्थान का नाम गोकर्ण है। जब रावण लौटा तो उसने देखा कि बालक ने आत्मलिंग को पृथ्वी पर रख दिया है। रावण को उस बालक पर बहुत क्रोध आया। फिर वह उस आत्मलिंग को उठाने का प्रयास किया। अत्यधिक बल लगाने के कारण आत्मलिंग का कुछ हिस्सा टूट गया, जिसका एक हिस्सा गोकर्ण से 78 किलोमीटर की दूरी पर गिरा। वही स्थान बाद में शिव जी की आराधना का प्रमुख स्थल बन गया और इस स्थान का नाम मुरुद्धेश्वर पड़ा। हालांकि मुरुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था, लेकिन वर्तमान की भव्य संरचना जो है वो 20वीं शताब्दी में किया गया है। इस मंदिर का राजगोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार 249 फीट ऊंचा है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचे गोपुरमों में से एक बनाता है। इसमें 20 मंजिल हैं। इस मंदिर का प्रमुख आकर्षण 123 फीट ऊंची शिव प्रतिमा से है, जो तीनों ओर से अरब सागर से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, यह था इस मंदिर का इतिहास जो कि प्रतिमाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। और इस मंदिर के बाहरी दृश्य के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, इतना ही अच्छा और मनमोहक लग रहा है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ का सुंदर नज़ारा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ भगवत गीता से प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन की एक भव्य प्रतिमा है। यह प्रतिमा भगवान कृष्ण के उस महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करती है जब उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा सुंदर प्रतिमा बनी हुई है और यहाँ का दृश्य भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और सामने भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ से दिख रही है। तो दोस्तों, इस मंदिर की यात्रा ने हमें न केवल भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया बल्कि प्रकृति के अपार सुंदरता का भी अनुभव कराया। हम मन में शिव जी की और इस यात्रा की अनमोल यादें लेकर लौट रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे यह ब्लॉग पसंद आया हो और ऐसी ही प्रेरणादायक यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद ही मूल्यवान है, इसलिए कमेंट में अपने विचार ज़रूर साझा करें और बताएं कि मुरुद्धेश्वर मंदिर की इस यात्रा में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और आने वाले ब्लॉग में हम और भी आकर्षक यात्रा
अनुभव और रोचक तथ्य लेकर हाजिर होंगे। लेटेस्ट अपडेट और नई पोस्ट के लिए हमें फॉलो करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गुला जी के चलत चलाना बा चौहान महाकाल।